2024 को देखते हुए भी क्या वो एक परमानेंट निर्णय है कि वो तो उस समय के लिए लिया, जब अभी एक साल पहले आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, आपने एक्सेप्ट कर ली, उसको कॉम्प्रोमाइज कहें कि एडजस्टमेंट कहें, मगर आने वाले साल में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं फडणवीस जी, आपके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री के चेहरा बनकर उनको सामने रखा जाए? देखिए, कोई भी पार्टी ये चाहती नहीं चाहे, आप अवॉइड मत कीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल बहुत साफ उत्तर देता हूँ, मैं अवॉइड करते ही नहीं कोई चीज़, प्रणव जी को चिंता मत कीजिए। देखिए, कोई भी पार्टी ये चाहेगी और कार्यकर्ता चाहेंगे कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, पर मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ, 2024 का चुनाव ये शिंदे जी मुख्यमंत्री रहते हुए ही हम लड़ेंगे, और जो मुख्यमंत्री होता है वही सरकार का नेता होता है, उसी नेता के नेतृत्व में चुनाव होता है। नेतृत्व में चुनाव होना और उसी चेहरे को मुख्यमंत्री फिर से बनाना, ये दो अलग बातें हैं। देखिए, मैं दोहराऊंगा सवाल फडणवीस जी, मैं चाहता हूं कि आप अवॉइड ना करें, क्योंकि मैं नहीं, जितने लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके मन में यह सवाल है, देवेंद्र फडणवीस जी, यू हैव बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको मैंने देखा उस दिन जब आप पर अनाउंसमेंट आपकी हुई, आप खुद शॉक्ड थे, वो दिख रहा था, आपने एक्सप्रेस नहीं की मगर आप सरप्राइज थे। फडणवीस जी, हु इज द चीफ मिनिस्टरियल फेस इन द इलेक्शन? ये नहीं कि किसके, नो, मैं ये नहीं पूछ रहा किसके अंडर चीफ मिनिस्टरशिप इलेक्शन फाइट की जाएगी, मैं कह रहा हूं चुनाव के बाद आप जब महाराष्ट्र की जनता को बताएंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। आप गलत व्यक्ति को पूछ रहे हैं, ये आपको अगर पूछना है तो ये आपको बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री नड्डा जी को पूछना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी आप बहुत करीब से जानते हैं, बीजेपी में सारे फैसले ये पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है, इसके बारे में कमेंट करने का अधिकार भी मुझे नहीं है, आई डोंट हैव एनी। बट फ्रॉम योर साइड अगर कहे कि मैं जिस पोजिशन, पांच साल में मुख्यमंत्री रहा, मैंने बहुत काम किया है, मैं जिस पोजीशन में हूं मैं बिल्कुल हैप्पी हूं, मेरे मन में कोई मलाल नहीं है, मेरे लिए तो पार्टी को वापस चुनकर लाना, दैट इज माय प्रायोरिटी, नेता कौन बने, कब बने, क्यों बने, तो पार्टी तय करती है जी। मुझे बताइए कि देवेंद्र फडणवीस को जब मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया तो कई लोग पार्टी में थे ना, नहीं थे ऐसा तो नहीं है, और कॉम्पिटेंट भी लोग थे, तो मोदी जी को लगा कि मैं ठीक से कर पाऊंगा, मुझे बनाया, तो इसलिए पार्टी सबका विचार करती है, सही समय पर विचार करती है, इसमें दिमाग खपाने की जगह हम वापिस कैसे चुन कर आएंगे। और खुला सवाल है, हाँ ये खुला सवाल है, इज इट एन ओपन क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर फेस? नहीं, हु इज कौन चीफ मिनिस्टर फेस होंगे, ये क्या खुला सवाल है, ओपन एजेंडा है? इट इज कि ये क्लोज चैप्टर है, कि देखिए ये चैप्टर जो है, आज मैं आपको कहता हूं, आज शिंदे जी के नेतृत्व में हम लड़ने वाले ये पक्का है, वो हमारी सरकार के मुखिया है, अगर उस समय हमारी पार्टी को कोई और निर्णय लेना है तो हमारी पार्टी उस समय तय करेगी, पर मुझे लगता नहीं है कि कोई दूसरा निर्णय लेने की आवश्यकता है। दूसरा निर्णय यानी कि आप जैसा कहते हैं कि कोई चीफ मिनिस्टर फेस प्रोजेक्ट करो, कोई दूसरा करो, तो ऐसा मुझे आवश्यकता नहीं लगती, लेकिन ये मैं वापस कह रहा हूं कि ये कहने का अधिकार मेरा नहीं, मेरी पार्टी का अधिकार है। कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं आपके और शिंदे जी के पार्टी के बीच? तो उनके 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 बेटे ने एक स्टेटमेंट दी है कि जरूरत पड़ेगा तो मैं एमपी पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा, और कई लोग हैं जो अपने सेल्फिश पॉलिटिक्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब क्यों किया जा रहा है? जब मुख्यमंत्री के बेटे खुद इस तरह के कॉमेंट कर रहे हैं तो इम्प्रेशन क्या जा रहा है, क्या है कि कोई कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम? कभी कभी लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स होते हैं, और देखिए लोकल लेवल पे एस्पिरेशन होता है, कार्यकर्ताओं को इंस्पायर करना पड़ता है। हमारी एक वहाँ पर एक हमारी सभा हुई, कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, उस बैठक में कार्यकर्ताओं ने मांग की, वो तो हमेशा ही होती है कि भाई बीजेपी ने लड़ना चाहिए, ये तो हमारा कल्याण हमारा है, ये लड़ना चाहिए। हमारे भी नेताओं ने इंस्पायर करने के लिए बोल दिया कि नहीं नहीं बिल्कुल लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें, वास्तविकता अपनी जगह होती है, ये चीज़ें अपनी जगह होती है, तो ये मांग करना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि कल्याण की सीट पर
श्रीकांत शिंदे ही लड़ेंगे, ये हमारे नेताओं को भी पता है। तो उसके बाद जब श्रीकांत शिंदे को पूछा गया कि भाई ऐसी ऐसी मांग बीजेपी से उठे, तो उन्होंने कहा जी कोई और होगा तो मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। जो हुआ मैं एग्री करता हूँ कि ऐसी चीज़ें पब्लिकली नहीं होनी चाहिए, बट इट वॉज एक छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। फडणवीस जी, एक व्यक्तिगत तौर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपको ऑब्जर्व किया है जब आप मुख्यमंत्री थे, यू हैड एन ओपन फील्ड, आप जो करते थे, आपके सारे मंत्री आपके थे, यू हैड ओपन फील्ड, ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग नहीं है? इसमें एडजस्टमेंट, एक पार्टनर को लेके चलना, फिर आप मुख्यमंत्री थे, आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, आपने खुद बोला कि आप प्रोटोकॉल हैंडल करके चीज़ें कहते हैं, तो सिचुएशन अलग नहीं है बहुत ज़्यादा? अलग तो है ही, पर देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस प्रकार की सरकार हमने 2.5-3 साल यहाँ पर देखी, उस परिस्थिति का मैं विचार करता हूँ और उस समय के महाराष्ट्र का मैं विचार करता हूँ, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड अरेंजमेंट, ये बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। देखिए कोई भी कोएलिशन गवर्नमेंट में कोई भी 100% आपके मन की चीज़ें आप नहीं कर सकते, पर मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अधिकतर चीज़ें जो मैं तय करता हूँ वो यहाँ हम कर पाते हैं।